अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 1xBet के बारे में एक नया टिप्स देने वाला हूं। तो इसको सबसे पहले, ये रिस्की गेम है, ये बेट है। इसमें आप लोग अपने पैसे गवा भी देते हैं, फ़ायदा भी आप लोगों को मिल जाएगा और नुकसान भी मिल जाएगा। ये बड़ा रिस्की काम है, सोच समझ के इसमें काम करना है, ठीक है। और जब भी अगर आप लोगों ने तय कर दिया अगर काम करना है, तो मैं आपको एक टिप देता हूँ इसका। अभी यहाँ से आप देख रहे हैं, ये जो थिम्बल है ना, इसका जो पहले वाला, इसका नंबर 0 है, ये 1 है, ये और ये 2 है, ठीक है। मैं यहाँ से इसका जो है ना, मैं आप लोगों को इसका सही करके देता हूँ। यहाँ मैं आप लोगों को समझाता हूँ, अगर ये ट्रिक अगर आप लोगों ने अपनाया ना, तो इसमें आप लोगों को यानी फायदा होगा। ये देख रहे हैं, ये 0 है, ठीक है, ये 1 है और 2 है। इस तरह का लोग करते हैं, तो इसमें यहाँ से जाके इसको जो ये लोग कर रहे हैं, इस तरह के इसकी जो ना नंबर वाइज करते हैं, इससे आप लोगों से अच्छा है कि आप इसमें जो नया तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप अपना जो मोबाइल से भी खेल सकते हैं। इसको खेलना क्या है, इसको सबसे पहले 2 बॉल में इसको करना है, 1 बॉल पे नहीं करना है। 1 बॉल पे अचानक कभी कभी आता नहीं तो आप लोग ज्यादा जो ना हार जाते हैं। तो आपने सबसे पहले 2 बॉल क्लिक करना है, 2 बॉल क्लिक कर इसको सिलेक्ट करने के बाद में प्ले करना है, ठीक है। और मोबाइल को अपने साथ में इस तरह ओपन करना है। अभी आप देखना लास्ट में कौन सा घूम गया, इसको हमेशा इग्नोर करना है। ये 0 है, ठीक है, यहाँ से मैं फिर शुरू करता हूँ। 0 और ये 2 और ये 1 और 1 2। अभी क्या करना है, इसमें से एक आपने सबसे पहले फर्स्ट टाइम में आप लोगों को लॉस होगा या फायदा होगा, आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से किस में आया, सेंटर में, आपने यहाँ क्या लिखना है, 002, यानी 2 पे आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा फिर आपने करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अभी देखो ये रुका हुआ, ये और ये दोनों घूम गए। अगर सेंटर में अगर 2 बार आएगा ना, ये गेम की स्टार्टिंग है, इसमें जितना लॉस हो रहा है ना, ये इसमें आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी मैं 60-60 का 2 बार लगा दिया ना, तो अभी देखना ये 3 में लाजुम आएगा, ठीक है, ये 3 में लाजुम आएगा। अभी ये देखना 003 पे आ गया। अभी यहां से आपने देखना है, ठीक है, एक बार सेंटर में आया, दूसरे बार सेंटर में, तीसरे बार 3 पे आ गया। ओके, अभी मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाता हूँ, ठीक है। ये फिर उसमें 3 पे आएगा कि नहीं आएगा, इसमें आपने दोबारा ये चेक करके ये देखना है, ये फिर 3 पे आ गया, ठीक है। आप, मैं फिर करके आपको दिखाता हूँ। अभी ये 2 बार इसमें 3 पे आ गया, अभी आपने क्या करना है, सेंटर वाले में उठाना है। क्यों, 2 बार इसमें 3 पे आ गया, तो तीसरे बार लाजम वो जगह चेंज कर देता है अपना। इसमें ये देखना, अब ये आ गया 002 पे आ गया, ठीक है ना। इधर 2 बार सेंटर में आया, 2 बार 3 पे आ गया, अभी 1 बार मेरे ख्याल में और सेंटर में आएगा। और घूमने का इसका चेक करना है, ठीक है, ये देखना, इसमें घूमने वाला ये जो है ना, अभी ये 3 पे गया, फिर इसमें फिर 003 करना है। मैं अभी आप लोगों को इसका बताता हूँ कि इसका जो मैन पंडा क्या है, ठीक है। ये फिर 3 पे गया, हो गया 2 पे आ गया, सेंटर पे आ गया, फिर 002। ओके, अभी इसमें ये अभी बीच में खाली था और इसमें ये 3 पे आ गए, ठीक है। अभी इसमें करना है क्या, 003। ओके, अब फिर इसमें खेलना है, ठीक है। रिस्की गेम है दोस्तों, इसमें ये कभी, ये अभी 3 पे आ गया, दोबारा फिर 3 पे, वो सोचता नहीं आएगा, तो इसमें फिर हम लोग करते हैं 3-3। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कितनी बार 3 पे आ गया और कितनी बार इसमें सेंटर में आ गया, वो एक को छोड़ देना है, ठीक है। जो एक है ना, उसको आपने रहने देना है, उसको आपने हाथ नहीं लगाना। ये फिर 002 पे आ गया। ये देखना, इसमें हमेशा खेलते रहेंगे, आपने सिर्फ 2 डब्बे पे खेलना है, ठीक है, एक बीच वाला, एक राइट साइड में, ये 1 है और ये 2 है। वो 0 को हमेशा आपने इग्नोर करना है, उसमें आपने खेलना नहीं है, ठीक है ना, उसमें कभी भी नहीं खेलना है। ये वाले भी देखना, फिर 3 पे गया,
अभी सेंटर में आया था, मैं इधर चेक नहीं किया, वो फिर 3 पे गया, ठीक है। ये फिर दोबारा भी 3 पे आ सकता है, ये नहीं कि 3 पे नहीं जाएगा, ये देखना, ये अभी सेंटर में उठाएगा फिर दोबारा खाली, ये देखना, अभी 3 पे आया था ना, वो दो बार फिर इसमें देगा, 3 पे देगा। तो ये हमेशा 2 नंबर और ये 1 नंबर और 2 नंबर, ये लाजम इनमें से एक में लाजम आएगा, अभी देखना। अभी सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, अभी आप लोगों को इधर चेक करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा इधर स्टार्टिंग से शुरू किया है हमने, 2 बार सेंटर में है, 2 बार लास्ट में है, फिर 1 बार सेंटर, 1 बार लास्ट में है, फिर 1 बार सेंटर में, फिर 2 बार लास्ट में आ गए, फिर 1 बार सेंटर में, फिर 1 बार लास्ट में, फिर 2 बार सेंटर में। अभी इस बार ये लाजम इसमें आएगा, 3 में लाजम आएगा, इस बार उसको आना चाहिए, ये देखना। अभी इसका जो ना मैन पंडा, मैं आप लोगों को इसको बता रहा हूँ, इसमें आपने कोई ट्रिक नहीं लगाना है भाई, जब इसमें जब भी आप लोग खेलते हैं इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना है, ठीक है ना। आपने जस्ट इसमें थोड़ा आइडिया लगाना कि इसमें हम लोग कैसे खेलें, ये कैसे हमें जो ना हराता है। इसका भी ये जो जिसने गेम बनाया है, ये भी जो ना बड़ा यार भाई, इतना बड़ा रिस्की काम, ये लोग ऐसे कैसे देते हैं लोग इतने पैसे, वो लोग जब दे रहे हैं तो उसका जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो इन लोगों ने कर दिया बैकएंड में। तो ऐसे नहीं होता है कि ये लोग किसी को जो ना फायदा नहीं होता है, नहीं, इस तरह नहीं है ये भैया। हर एक जो ना बंदा इस पे बोलता है मैं पैसा लूट लूं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये ऐसा एक नशा है, जब भी अगर आप लोगों ने इस पे खेलना शुरू कर दिया, जब तक आप लोगों के पास पैसे हैं आप लोग लगाते रहेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस गेम में सबसे पहले तो खेलना नहीं है, बड़ा रिस्की गेम है, बेट है, इसमें कभी हार जाता है कभी जीत जाता है, लेकिन वो बात नहीं है। जब तक इस गेम का नॉलेज आप लोगों को नहीं है, अगर आप लोगों के पास पैसे हैं तो इसमें मत लगा, अगर हाँ आपने फिर भी सीखना है तो आपने पहले YouTube में कोई भी काम करने से पहले YouTube में जाके उसके बारे में वीडियो चेक करें। हर एक अपने तरफ से कोई ट्रिक बताता है, कोई ये कर रहा है, कोई वो करता है, हैक करता है, इस तरह नहीं होता है। ये अगर इस तरह हैक होता है ये गेम, इस तरह अगर कोई भी इससे लूट लेता पैसा जीत जाता, तो ये लोग पागल थोड़ी हैं इतने पैसे देते हैं। और इसकी विड्रॉ और इसकी जो है डिपॉजिट इतना फास्ट है और ये रियल है, विड्रॉ देने में, डिपॉजिट में, विड्रॉ में, दोनों में 100% गारंटी, क्योंकि मैंने खुद इसमें बहुत सी बार, ये उसमें शक नहीं है। लेकिन आप लोगों ने गेम में खेलने का जो ना आप लोगों का तरीका होना चाहिए कि ये हमें किस तरह से ये गेम जो ना फायदा देता है और ये या नुकसान देता है, ये आपने लाजम आपने चेक करना है, ठीक है। ये चीज आपने जो ना जहन में रखना है, इस गेम में अगर खेलना है इससे थोड़ा आप लोगों को फायदा होगा, लेकिन थोड़ा आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कितनी बार अभी जो ना मैं कर रहा हूँ जीत गया, क्यों, इसलिए कि मैं इस गेम का पूरा, मैं जितना पैसा मर्जी लगाऊं इसको मुझे पता है, लेकिन इसमें ये होता है कि मैं आप लोगों को सिर्फ सीखने के, सिखाने के लिए मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, ये हराम है, इसके पैसे भी हराम है। तो इसको मेरा मकसद यही है, अगर आप लोगों का दिल नहीं करता है, अगर आपने खेलना है तो इसका सबसे बड़ा जो ना ट्रिक यही है, अगर आपने खेलना है तो आपने इसका सिर्फ डब्बा याद करना है, ये डब्बे को इग्नोर करना है, ठीक है, ये वाला, ये डब्बे को इग्नोर करना है, और बाकी ये दोनों में से अगर 2 बार इसमें आएगा तो 1 बार इसमें आएगा, 2 बार इसमें आएगा, अगर इसमें आएगा, इसमें आएगा, जिस बार आप लोगों ने 2 नंबर पे खाली उठाया ना, तो दूसरे बार 2 नंबर को उठाना है आपने, क्योंकि वो फिर इसी जगह में घुमा के आएगा, वो सोचता है कि इसने पहले घुमाया था, उठाया था, नहीं था, दोबारा में इसी में जाएगा, वो इसको उठाएगा। लेकिन ये गलती आपने नहीं करना है, सबसे बड़ी बात यही है। जब ये उठ गया ना, अभी देखना मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी 2 पे उठ गया था ना, सेंटर में आया था, अभी वो यही सोचता है कि ये इधर उठाएगा कि सेंटर में, दोबारा नहीं उठाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी इसका एक चाल है, अभी हमें पता चल गया कि ये क्या करता है, ठीक है। अभी ये क्या सोचता है, अभी सोचता है इसने 2 बार सेंटर में उठाया,
तो तीसरी बार लाजमी ये जो ना इसी में उठाया गया कि बार बार इसमें आ रहा है, लेकिन मैंने इसको उठाया। ये क्यों? ये तीन तीन बार कभी कभी ये सेंटर वाले में देता है, ठीक है। ये नहीं है कि दो बार दे दिया तीसरी बार सेंटर वाले में नहीं देगा, नहीं, इस तरह नहीं है। अगर मैंने अभी इसको उठाया था इसमें नहीं था, तो दोबारा लाजम ये इसी में देना है इसको। क्यों? वो सोचता है कि ये जो अभी उठाया तो इसमें इसको मिला नहीं है, तो ये दोबारा इसमें नहीं उठाएगा, ठीक है। ये चीज को आपने याद रखना है, क्योंकि ये हर बार इधर से हमें जो ना चकमा देके भाग जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये ऐसा हम नहीं कर होने देते हैं इसको, क्योंकि हमें पता है अगर उसने हमें दो बार तीन बार एक डब्बे में दे दिया, चौथे बार उसमें नहीं आएगा तो इसमें फिर जाएगा, क्योंकि इसमें कितनी बार अभी दिया था। तो लाजमी इसको ये चीज आपने याद रखना है, इतनी मैंने बिट लगाए और मैंने आप लोगों के सामने कितने गेम खेला है, ये मैं अगर इसको जो ना देखता हूँ कितने मैंने गेम खेले हैं अभी, या अभी आप लोगों के सामने मैं अभी देखता हूँ 25 गेम मैंने खेला है, 25 गेम में से कितना मैंने जीता और कितना हारा ये आप लोगों के सामने था। दोस्तों अगर ये ट्रिक आप लोगों ने आजमाया तो आप लोगों को जीतने की चांस है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, मैं हमेशा आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। इजाजत करता हूँ इस वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।